कहाँ बिजी है प्रेरणा सुबह सुबह तू? यार मैं सोच रही थी हम बीटीएस और ब्लैकपिंक की जन्मभूमि तो आ गए, कर्म भूमि भी आ गए, पर ये लोग कहीं पार्टी करने तो जाते होंगे ना, पिकनिक विकनिक भी तो करते होंगे। सर्च कर। मैं सोच रही हूँ वहीं चलते हैं आज, लिविंग लाइक बीटीएस एंड ब्लैकपिंक फॉर 24 आवर्स। ओह यस, आई फाउंड इट। ये लोग जाते हैं जेजू आइलैंड। ये तो बड़ी सुंदर जगह है यार, इसको तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। एग्जैक्टली भाई, हमें आइलैंड जाना चाहिए। मैं ना बुकिंग करा। चल फिर जल्दी बैग्स पैक कर, लेट्स गो। अभी चलते हैं, लेट्स गो। फ्लाइट बुक हो गई, होटल बुक हो गया, जा रहे हैं हम, बाय बाय। आज करने जा रहे हैं हम हॉलीडे, अपनी लाइफ की सबसे अल्टीमेट हॉलीडे, वो भी जेजू आइलैंड पे। ये तो चलो जेजू आइलैंड पहुंचने से पहले आपको बता देते हैं टॉप सब्सक्राइबर ऑफ द वीक, जो कि है शिखा, यशिका, ओपी गेमिंग, MS व्यास, आयशा, परिधि, अर्पिता एंड कोमलप्रीत। अगर आप भी बनना चाहते हो इस वीक के टॉप सब्सक्राइबर, तो आपको कॉमेंट्स में बस इतना गेस करना है कि हम नेक्स्ट वीक कौन सी कंट्री जा रहे हैं। छोटी सी हिंट देती हूँ, क्रिकेट। और यहाँ फुल शो ऑफ हो रहा है कि काम करा जा रहा है पर काम हो नहीं रहा है, और यहाँ मैं बेचारी एडिटिंग कर रही हूँ, कोई हेल्प कर दे यार। पता लग रहा है कौन काम कर रहा है कौन नहीं। ऐसी पार्टी थोड़ी ना करनी थी, एडिटिंग वाली पार्टी। जेजू आइलैंड पहुँच के पार्टी करेंगे ना। तो हमारी फ्लाइट में अभी 1.5 घंटा है, इतनी देर में मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। आप लोगों को बढ़िया बढ़िया कोरिया के व्लॉग्स भी तो दिखाने हैं, उसके बाद तो मैं पार्टी करने वाली हूँ। जेजू आइलैंड में तो और कुछ करना ही नहीं। फाइनली टाइम आ गया बोर्ड करने का प्लेन। बहुत सुंदर लग रहा है, ब्लू कलर का। फाइनली फ्लाइट के अंदर है यार, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट फ्लाइट लग रही है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। 40-45 मिनट्स की फ्लाइट है, उड़ते ही पहुंच जाएंगे लैंड करके। और हर्ष, इसके बाद का प्लान पता है तुझे? नहीं, बताइए यार। अब पार्टी करनी है, एकदम किंग साइज आइलैंड पे आए तो किंग साइज पार्टी भी करनी चाहिए। होटल चाहिए यार, अब किंग साइज होटल होना चाहिए। एग्जैक्टली 5 स्टार 7 स्टार टाइप, अंदर ही जकूजी हो, ओशन व्यू हो, सब कुछ हो। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रही है प्रेरणा तू, मेरे को तो ऐसा ही चाहिए। चलो फिर ढूंढते हैं ऐसा होटल, लेट्स गो। ये बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से ना बस का रूट समझ रहा है। मैंने कहा यार आज हम BTS की तरह रहने वाले हैं तो हमें एटलीस्ट टैक्सी में जाना चाहिए। मैं तो टैक्सी में ही जाऊंगी, ये बस का रूट पूछे जो मर्जी करे, मैं टैक्सी में ही जाऊंगी। फाइनली टैक्सी के अंदर आ चुके हैं, और जो हमारे ड्राइवर है इनको पता है कि हमारा होटल कहाँ है। भाई होटल ही ऐसा है कि सबको पता है। पहली बार ऐसा हुआ है, हमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। भैया ने कहा हाँ चलो चलते हैं सीधा। हर्ष, वेलकम टू आवर ग्रैंड स्वीट। यार मैंने कहा था ना, लिव एंड पार्टी लाइक BTS। ओ भाई जकूजी एंड ये व्यू, ओशन विला यार। चलो भाई आपको लेके चलते हैं, तारों में ले चलो, लहरों की आवाजें। ओहो यहाँ रिलैक्स करेंगे शाम को बैठ के। अभी बड़ी भूख लग रही है, वैसे पास्ता वास्ता खाते हैं। यार बिलीव सा नहीं हो रहा, लिव एंड पार्टी लाइक BTS। ओए जकूजी इतना सही लग रहा है ना, सामने ओशन देखो, मतलब सीरियसली क्या कॉन्सेप्ट है। और क्या भाई साहब बाथरूम, इतना बड़ा बाथरूम, यहीं पे हमारा बेड वेड लगा देते। टीवी भाई साहब, मतलब जकूजी में बैठ के ऐसे टीवी, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया बाथरूम में टीवी? और BTS भी ऐसे ही पार्टी करता होगा, गारंटी है। ब्लैकपिंक वगैरह सब ऐसे जकूजी में बैठ के अपना कोला शोला पीते होंगे और टीवी देखते होंगे, और फिर यार डांस भी करते होंगे स्मूथ लाइक पर। यार तूने ये चीज तो देखी नहीं। हर इनकी यार टॉयलेट सीट में इतने फंक्शंस और इतने फीचर्स होते हैं ना, समझ ही नहीं आते। रिमोट सेंसर, यहाँ पे इनका पूरा ऐसे बिडेट लगा हुआ है, अपने आप आपके धुल जाएंगे हवा आएगी और पॉज कर सकते हो। भाई साहब मजाक है क्या? और टॉयलेट सीट में इतने फीचर्स होते हैं कोरिया में ना, सीरियसली इतने हाईली एडवांस टॉयलेट सीट। वाह यार। 5 मिनट्स लेटर। आओ खाना खाते हैं यार, बहुत भूख लग रही है। पास्ता लेके आते हैं, मजाक नहीं करे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। भाई तू पता है कहाँ है? जहाँ BTS हॉलीडे तो यार सब कुछ अलग होने वाला है। और पास्ता खा। और क्या एक्सपेक्ट कर रहा था तू? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन भी नहीं कर रहा है इसकी डिजाइनिंग खराब करने का। कैसा लगा हर्ष? बहुत बढ़िया, बस नमक कम है। कुछ ना कुछ तेरे को कम लगता ही है। मंगवाया है, नमक मंगवाया है, डालते फिर और टेस्टी हो जाएगा। और हमारा पिज्जा भी आ गया। हर चीज रेड सॉस अपने ऊपर मत गिरा लियो, मेरे को डर लग रहा है। वैसे व्हाइट पहना हुआ मैंने, हमेशा वाइट खराब करता है। और इसी के साथ पिज्जा खत्म, पैसा खत्म। हर्ष करा रहे बिल, चलते हैं रूम में रेस्ट करते हैं और फिर चलेंगे पार्टी करने। पूरा पिकनिक सीन भी तो दिखाना है आपको जेजू का। लेट्स गो। सादे किनारे दिल ये पुकारे। व्यू देखो यार यहाँ से एक बार, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तो देखो भाई फुल गाने शाने फन चल रहा है। तो अभी बहुत ही वेल ड्रेस्ड होके हम जा रहे हैं यहाँ के जेजू आइलैंड के सबसे सुंदर इंडियन किचन में लंच करने। ये आगे महारानी की गाड़ी, ओए होए क्या सुपर ब्लैक कलर है यार। तो अभी बहुत वेल ड्रेस्ड होके टैक्सी में आ गए हैं। 6 किलोमीटर यहाँ से एक इंडियन किचन है, वहाँ जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ है, ऐसा मैंने पिक्चर्स में देखा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअल में वहाँ पे इंडियन लंच करने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 300 रुपीज लगे हमारे टैक्सी के। आगे अल्टीमेट इंडियन किचन में, चलो अंदर लेके चलते हैं। पूरा ग्रीनरी में बना हुआ है, ब्यूटी है एकदम यार। मतलब ऐसा लग रहा है पूरा लैंड लेके इन्होंने सिर्फ एक किचन बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। अबे देख वहाँ संतरे उग रहे हैं, पूरा बाग है यार संतरों का। तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, चाय ऑर्डर करी है मैंने। मिल्क टी है यार यहाँ पे, आलू पराठा, दाल मखनी और आलू गोभी। आहा फ्लेवर्स आ रहे हैं, जल्दी खाना ले। ये आ गई आलू गोभी और ये आलू पराठा। और मैं वेट नहीं कर रही, मैं फटाफट खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी जल्दी खा यार। तूने एक चीज नोटिस करी, रेस्टोरेंट ना ऑलमोस्ट पूरा फुल है और इंडियन सिर्फ हम ही है। इसका मतलब कोरियन को, जापानीज को, जो भी आ रहा है उनको इंडियन फूड बहुत पसंद है। ओ भाई चाय आ गई है, इतना खाया है ना, सच बता रही हूँ। अभी चाय बड़ी परफेक्ट लग रही है, क्या कप आया है देख रहे हो। तो भाई खाना पूरा हो गया है, अब चल रही है वॉक इनके पार्क में। इतना खा लिया तो वॉक तो करनी पड़ेगी ना यार। हमारा टोटल बिल ना 46,500 का बना है, जो कि इंडियन रुपीस में कोई 2700-2800 बनते हैं। अच्छी खासी वॉक करके आ गया इंडियन किचन से 1 किलोमीटर की, क्योंकि बहुत ज्यादा खा लिया था तो सोचा वॉक करते। अभी हमें ना यहाँ डैसो दिखा, आई थिंक कोरिया का सबसे बड़ा डैसो। शॉपिंग शुरू हो चुकी है, मुझे लिपस्टिक्स अच्छी लगी है, काफी अच्छी है, घड़ी अच्छी लगी है, छोटी मोटी चीजें उठा लेते हैं। और मैं ले रहा हूँ एलोवेरा जेल। लो भाई लो। देख मुझे क्या मिला, BTS के मास्क। यहाँ मास्क पे ऐसे BTS लिखा होगा। वाह यार ये भी सही है, ये ले चलते हैं। ओ भाई डॉग्स पड़े हैं यहाँ पे, क्यूट क्यूट। ओ बिल्ली कितनी क्यूट है यार, ये कितने क्यूट क्यूट पिगी बैंक्स हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने घर के लिए मैट लिया है, कितना क्यूट बना हुआ है यार, ये कितनी क्यूट सी चीज है। टूथब्रश होल्डर यार, ये कितने क्यूट है ना, इतने सस्ते सस्ते हजार रुपए के। सर्विंग स्पून कितने क्यूट है यार। यहाँ पे पूरा किचन एसेंशियल्स का सामान है जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये रे बेंटो बॉक्सेस, हमने एक वीडियो करी थी लंच बॉक्सेस वाली, कितने सस्ते मिल रहे हैं यार यहाँ, 1000 रुपए का एक। यार टी पॉट्स कितने क्यूट लग रहे हैं, 5-5 हजार रुपए के यार। Later that same evening, गाइस मैं भी ना आराम से बैठा हुआ था तो मैंने देखा ये एक सेफ्टी अलर्ट आई है। बाय गॉड जेजू आइलैंड में टाइफून नंबर 14 नंगमंडोल आ गया है। ओ माय गॉड इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। मैंने इस लड़की को कहा था कि बीच में चल लेते हैं दोपहर में, इसने कहा नहीं रात में चलेंगे। वो एक बहुत बढ़िया मालिबू कैफे वगैरह है, वहाँ पे जाके पार्टी करेंगे। अब तो भाई सब कुछ गया, अब मुझे ये लग रहा है डर कि हम वापस कैसे जाएंगे। बाहर बैठी हुई आराम से, चलो उसके बाद चलते हैं। ओ मैडम, ओ महारानी, सामने देख रहे क्या हाल हो रहा है, पानी के करंट्स बहुत तेज हो गए भाई। ये ले ये पढ़, नंगमंडोल आ गया टाइफून। मैं तभी कहूँ पानी का भाव इतना तेज क्यों हो रहा है यार। वो जो था ना वो रेड वाला, उसके ऊपर देख रहे हो सारा पानी आ गया। ये भी सारा यहाँ पत्थर दिख रहे थे सुबह, सब ऊपर आ गया पानी। अरे पार्टी की चुल हमें कैफे में ले आई है, यहाँ पे रोबोट्स हैं जो खाना सर्व कर रहे हैं। आई कांट बिलीव, इतने दिनों से कह रहा था मुझे वो वाले होटल्स में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ पे रोबोट्स होते हैं। ये बटन दबाना है और फिर रोबोट्स आएंगे। रोबोट आएगा सच्ची ना, रोबोट यार। सीरियसली मजाक नहीं कर रही, क्या वाइब है यार इस कैफे की। अभी थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है। तू बजाएगा ना, बैंड बजेगा जबरदस्त वाले। तू बजाएगा ना, मैं बजाऊंगा, देखती ढोलक ताल पे नाचेंगे फिर हम। यार इस कैफे में घुस के ना मैं भूल गया वो टाइफून वाली न्यूज भी। अरे यार तू बार बार वही बोली जा रहे हैं। लोग इतने चिल कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं अकेला क्यों टेंशन लूं। हर्ष का पिज्जा आ रहा है, पिज्जा आ गया आ गया आ गया। बड़ा टेस्टी पिज्जा मैन, बहुत टेस्टी खाना है, एकदम थिन क्रस्ट वाला पिज्जा है यार, मजा आ गया। कितना एंजॉय कर रही है लड़की। ओके बाय बाय। तो थैंकफुली टाइफून तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और थोड़ी देर में शांत भी हो गया। पर आप नेक्स्ट वीडियो देखने मत भूलना, दैट इज द लास्ट वीडियो ऑफ कोरिया सीरीज। हम आपको दिखाने वाले दुनिया का सबसे अनोखा स्टारबक्स और बहुत ही क्यूट सा हेलो किटी वर्ल्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।